मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटय, भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातककोटय। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज प्रातकालीन वाणी चर्चा में उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहब जी एवं भक्तजन समुदाय को कोटानकोट प्रणाम, करवद्ध प्रणाम। सुंदर साहब जी, भक्तजन समुदाय, इस संसार में वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, तंत्र शास्त्र एवं कई संत वाणियों के अतिरिक्त हेमेटिक परंपरा के, यानी जो पूर्वीय दर्शन के शास्त्र नहीं हैं, जो पाश्चात्य दर्शन के शास्त्र एवं धर्म ग्रंथ इस संसार में उपलब्ध हैं, सभी धर्म ग्रंथ एवं सभी धर्मशास्त्र इस संसार के कल्याण के लिए एवं विश्व शांति और समृद्धि के लिए ही समय समय पर अवतरित हुए। महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी संपूर्ण मानवता को ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों को, सचराचर जगत को त्रयताप मिटाने वाले आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप से मुक्त करने के लिए संपूर्ण चराचर एवं संपूर्ण सृष्टि को मोक्ष एवं उद्धार प्रदान करने के लिए श्रीमत तारतम सागर का अवतरण किया। ये वाणी संपूर्ण विश्व के लिए एक उपहार है, ये अमूल्य उपहार है जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने 14 ग्रंथ में ये जो वाणी है श्रीमत तारतम सागर, यह विश्व के लिए अमूल्य उपहार है। ये ग्रंथ को श्रीमुख वाणी स्वरूप साहेब या कुलजम स्वरूप भी कहा जाता है। इसमें कुल 18,758 चौपाई हैं। इस ग्रंथ को 14 भाग में विभाजन किया गया है। मैंने आपको पहले ही बोला, रास, प्रकाश, खटृतु, कलश, सनंद, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रम, सिंगार, सागर, सिंधी, मार्फत सागर और क्यामतनामा। इन 14 ग्रंथ में से किरंतन ग्रंथ को सर्वदेशीय ग्रंथ कहा गया। यह ग्रंथ समस्त आध्यात्मिक चिंतनों का ग्रंथ है। किरंतन ग्रंथ क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी जब श्रीपाच नौतनपुरी धाम से निकले, किरंतन ग्रंथ को अवतरण विक्रम संवत 1712 से 1748 यानी कि 36 वर्ष तक ये ग्रंथ का अवतरण होता ही रहा। फुटकर रूप में महामती प्राणनाथ जी जहाँ जहाँ भी जाते थे, विचरण करते थे, जागरणी यात्रा में इधर उधर घूमते थे, भारत में ही नहीं अपितु तो आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान उससे लेकर आज का इराक, बगदाद, बसरा और आज का जो अपना दुबई से लेके मस्कत है, मस्कत तक महामती श्री प्राणनाथ जी इस ज्ञान के प्रचार के लिए ये विश्वव्यापी रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी ने जागनी यात्रा की। इस जागनी यात्रा श्रीपाँच नौतनपुरी धाम से लेकर श्रीपाँच पद्मावतीपुरी धाम तक की यात्रा, विभिन्न स्थानों में इन्होंने अपनी धर्म यात्रा की, जागनी यात्रा किए। इसीलिए
किरंतन ग्रंथ को सर्वदेशीय ग्रंथ माना गया। यह सर्वदेशी ही नहीं, यह आध्यात्मिक चिंतन का एक पराकाष्ठ है। आइए इस ग्रंथ के माध्यम से श्री गुरुदेव की कृपा से आज वाणी चर्चा प्रारंभ करते हैं। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। आज का चौपाई है बिंद में सिंध समायो रे साधो, बिंद में सिंध समाया। मामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ये तो वेदांत का विषय है। अपने वाणी में कहते हैं वेदांत गीता भागवत दैया इशारत सब खोल। मामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं जितने भी वेदांत का विषय है, जितने भी शास्त्र का विषय है, जितने भी ये पूर्वीय और पाश्चात्य संस्कृति संस्कार धर्म परंपरा के जितने भी शास्त्र हैं उसके चाबी तारतम से ही खुल जाती है। क्योंकि 36 वर्ष पर्यंत तक जिन्होंने यात्रा की, धार्मिक यात्रा की, सदगुरु ने 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और मामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने जीवन में कई ऐसी धार्मिक यात्राएं की। इस यात्रा का अनुभव हम भी तक में सुनते हैं मामती श्री प्राणनाथ जी के विषय में और धनी श्री सद्गुरु महाराज के विषय में। ये बीतक तो इन अपने दो धर्म गुरुओं का एक लाइफ हिस्ट्री है और तारतम सागर इन दोनों ही धर्म गुरुओं का फिलोसॉफी है जो इन्होंने अनुभव किया। देखिए शास्त्र का मत क्या है कि शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। सतगुरु ने जो शास्त्र लिया, अपने अपने कई सतगुरु हैं, अपने अपने मत में, अपने अपने मत मतांतर वेद वेदांत को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले, अपने अपने परंपरा को फॉलो करने वाले कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे साधक हैं कि क्या है कि सतगुरु के पास हम ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, सतगुरु ज्ञान भी देते हैं और शास्त्र से वो ज्ञान हम सुनते भी हैं, लेकिन अपना अनुभव क्या है वो अनुभव महत्वपूर्ण है। जैसे गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज ने जीवन में बहुत ही तपस्या की। गुरुजी चाहते तो अपने घर में रह सकते थे, इलाम में, नेपाल में, अपने घर में, आसाम जब गए तब भी वहीं भी रह सकते थे, पन्ना गए पन्ना भी वहीं रह सकते थे। क्यों गुरुजी ने भी चार धाम यात्राएँ की, गुरुजी ने भी क्यों यात्राएँ की, इतने पैदल यात्रा क्यों की? फिर उस टाइम तो ट्रेन भी था, उस टाइम तो मोटर गाड़ियाँ भी थी, गुरुजी ने भी पैदल यात्राएं की। मामती श्री प्राणनाथ जी ने भी अपने जीवन में पैदल यात्रा किए, गुरु नानक जी ने भी पैदल यात्रा किए और ऐसे कई संत हैं जिन्होंने जीव जीव जगत और ब्रह्म को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में अनुभव किया। तो ये लोग यात्राएं करते हैं और अपने अनुभव बिखेर देते हैं, कई धर्मशास्त्र के रूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जोश, धनी जी का आवेश और अपना अनुभव मिश्रित कर मामती श्री प्राणनाथ जी ने इस तारतम रूपी चाबी से ये वेदांत दर्शन का रहस्य खोला है। बिंद में सिंध समाय रे साधो, बिंद में सिंध समाया। बिंद शरीर को कहा जाता है, बिंद ब्रह्मांड को कहा जाता है, इस संसार को बिंद कहा जाता है और इस शरीर को भी बिंद कहा जाता है। सिंध आत्मा है, सिंध रूपी आत्मा में और सिंध रूपी परमात्मा में, परमात्मा को भी सिंध कहा गया। और बिंद में सिंध समायो रे साधो, इसका अर्थ एकदम समझने वाला अर्थ इसका क्या है? शुरू शुरू में जो इसको एकदम चौपाई का शब्द के अर्थ, रहस्य का अर्थ नहीं, शब्द का अर्थ जो समझने वाले हैं, बिंद में सिंध का मीनिंग होता है एक बूंद जल में पूरा समुद्र समा गया, एक बूंद जल में पूरा समुद्र समा गया। इसी को शाब्दिक अर्थ में बिंद में सिंध बोलते हैं, एक बूंद जल में। समुद्र में एक बूंद जल समा गया वो तो सब समझते हैं, लेकिन एक बूंद में समुद्र समा गया वो समझने का थोड़ा कठिन है। इस रहस्यमय बात को मामती श्री प्राणनाथ जी से खोल रहे हैं। बिंद शरीर, ये शरीर बिंद का सृष्टि है और सिंध आत्मा, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। और शास्त्र का मत आत्मा में ये है, वेदांत के विषय में वेदांत आत्मा को इस तरह से डिफाइन करती है और व्याख्या करती है। आत्मा कह, आत्मा क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त अवस्थात्रय साक्षी पंचकोशातीत
सच्चिदानंद स्वरूपो यतिष्ठति स आत्मा। आत्मा के विषय में वेदांत ये कहता है, स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भिन्न अवस्था का त्रय साक्षी पंचकोशातीत जो सच्चिद आनंद स्वरूप है वह आत्मा है। आत्मा 24 तत्व से बना हुआ है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच तत्व मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसे आत्मा बनता है। और आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का सजातीय अंश है। आत्मा और परमात्मा बिंद में सिंध समाय रे साधो, सिंध का अर्थ मैं कर रहा हूँ, सिंध का अर्थ है आत्मा या परमात्मा। परमात्मा भी सच्चिद आनंद से बने हुए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत में कहा गया परमात्मा कैसे, सच्चिद आनंद स्वरूप जो कभी भी परिवर्तनशील नहीं है, जो सत चिद आनंद है, अपरिवर्तनशील है, आनंद स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, प्रकाशमान है। भागवत में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व को उत्पत्ति करने वाले और इस विश्व को लय करने वाले, तापत्रय विनाशाय, त्रय ताप आदिदैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप को मिटाने वाला, त्रयताप विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। तो परमात्मा के ही सजातीय अंश क्या है? आत्मा है। हमारे शरीर में आत्मा बैठा हुआ है, हम ये आत्मा अदृश्य है, हम देखते नहीं, लेकिन इसके सत्ता को हम नकार भी नहीं सकते। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो लोग बोलते हैं ये चला गया, कहाँ चला गया, नाक भी वही है, कान भी वही है, जो में जितने अंग है, लेकिन चला क्या गया, वो चैतन्य स्वरूप चला गया। चैतन्य स्वरूप कहाँ चला गया, उसके भोग के अनुसार, जो वो भोगता है उसके भोग के अनुसार चैतन्य स्वरूप चला गया। और भगवान श्री कृष्ण अपने गीता में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मरुतः। ये आत्मा को नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, न शस्त्र इसको छीन कर सकता है, न शस्त्र इसको मिटा सकता है, न नाश कर सकता है। नैनम दहति पावक, न इसको अग्नि जला सकती है, अग्नि भी इसको आत्मा को जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसको गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मरुतः, आत्मा को हवा भी शोष नहीं सकता। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। परमात्मा भी अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा और परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो ये शरीर रूपी इस मंदिर ने आत्मा रूपी परमात्मा इसमें वास है, तो इसमें इतना ही है कि हमें पहचानने की जरूरत है। और शरीर क्या है, स्थूल शरीरम किम, आत्मा के विषय में तो आपने सुन लिया, स्थूल शरीर क्या है, स्थूल शरीर किसे कहे जाते हैं? शास्त्र का मत यह है, पंचीकृत पंचमाभूतै कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुख भोगा यतन अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति सड़भाव विकारे युक्तम यतत् शरीरम स्थूल शरीरम। शास्त्र का यह मत है, शास्त्र ने स्थूल शरीर के विषय में ऐसे व्याख्याएं की है। स्थूल शरीर क्या है? पंचीकृत पंचमाभूत, भूत से बना हुआ। पंचीकृत माने पंच तत्व, जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इसके सम्मिश्रण से पंचीकृत होता है। इसे प्रपंच भी किधर कहाँ कहाँ कहा जाता है। इस पंचमहाभूतों से बना हुआ सत्कर्मजन्यम, कर्मजन्यम सुख दुख भोगाद, सुख दुख भोगने वाले कर्म, कर्मजन्य कर्म, कर्म का सुख। हम सुख दुख कैसे भोगते हैं? अपने कर्म से ही आदमी सुखी होता है और अपने कर्म से ही आदमी दुखी होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इस विषय में एक मत है, वेदांत का एक मत है कि हम इस संसार में जन्म लिए हुए हैं, हम इस संसार में आए हुए हैं,
हम इस संसार में कोई किसके माता पिता, दीदी और भाई बहन, परिवार में, किस परिवार में, किस देश में, किस ग्राम में, किसके काए उलटे पीछे नेत नेत कर गाया, खबर न परी परी बिंद उपजिया कांथे ताथे निगम धराया। तो कहते हैं इस बिंद रूपी माया में, इस बिंद रूपी माया कहां से उत्पन्न हुई, ये माया को उत्पन्न करने वाले मायावी कौन है, इस माया को उत्पन्न करने वाले मायापति कौन है, वेद वही ढूंढने गए थे। वेद ऐसे ही ढूंढने नहीं गए थे, ब्रह्म वही सच्चिदानंद स्वरूप को ऐसे मिलो, ये माया, ये जो माया है, ए माया छे उपनी छे मूल धनी थकी मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक न लवे पार। ये अपने बाणी में रास ग्रंथ के प्रारंभ में ये चौपाइयां आती है। तो बोलते हैं कि शिव ब्रह्मादिक न लवे पार, शिव ब्रह्मादिक भी पार नहीं पाए और वेद भी इस माया को ढूंढ रही है। ये माया भी परमात्मा का ही सृष्टि है, ये माया परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये पंचभौतिक शरीर ही भी परमात्मा का ही सृष्टि है, ये पंचभौतिक संसार भी परमात्मा का ही सृष्टि है, ये माया भी, ये छल बल चंचल चतुर चपल, ये चंचल चतुर चपल वाली माया भी परमात्मा का ही सृष्टि है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी के मत में ये कुलजम स्वरूप में उन्होंने ये जो दर्शन दिया, ये जो फिलोसफी उन्होंने बताया, ये फिलोसफी छह शास्त्र पुराण उपनिषद और वेदांत से थोड़ा हटकर है ये मार्ग। उन्होंने बताया कि परम धाम के मूल मिलावे में सखी तो वही है, लेकिन सिर्फ उनका सुरता ही खेल देखने के लिए, असत जड़ और दुख का खेल देखने, किंतु परम धाम तो सच्चिदानंद है, चिन्मय स्वरूप है परम धाम, लेकिन असत जड़ दुख का खेल कैसे होता है। तो बोले राजी अक्षर ब्रह्म दिखाते हैं, वो खेल कैसे होता है असत जड़ दुख का। अगर हम भी कोई खेल ऐसे फुटबॉल क्रिकेट हॉकी ऐसे तो हम खेलते ही हैं और जानते भी हैं, कुश्ती और दूसरे कई खेल, और दूसरे कई खेल होते हैं वो हमारे समझ के परे होते हैं। तो वो खेल, वो नए चीज खेलने के लिए, देखने के लिए हम लोग को भी इच्छा होती है, ऐसे ही वो ब्रह्म आत्माओं को भी इच्छा हुई। तो ये असत जड़ दुख का खेल देखने के लिए उन्होंने इच्छा की, तो उस इच्छा को राज्जी ने पूरा करते हुए ये माया रचा, ये माया रची। ये माया तो राज्जी की ही माया है, अक्षर ब्रह्म राज्जी की सत्स्वरूप है, और इस माया के मायापति तो अक्षर ब्रह्म है। ये संसार में त्रिगुण को भी भुला दे रहे हैं, वेदों को भी भ्रमित कर रहे हैं, ये सब माया, ये तो अक्षर ब्रह्म का ही खेल है। तो मायापति कौन है, मायापति तो अक्षर ब्रह्म है। खबर ना परिबिंद उपजे कहाँ थे, ये माया कहाँ से उपजी है, ये माया के मायापति कौन है, अक्षर ब्रह्म को ही श्रुति महा ढूंढ रही है, श्रुति महा वेद है। और ताथे निगम धराया, निगम नहीं गम नहीं पाया, उसको क्या है कि मिले ही नहीं। निगम अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे, निगम कर दिया उसको, उनका स्वरूप, उनको वो चिन्मय स्वरूप उनका जो मुझे दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सत्ता निराकार स्वरूप है, सत्ता उनको मिला। असत मंडल में सब कोई भूलिया, ये माया, ये छल वाली माया का ब्रह्मांड, ये पंचभौतिक शरीर, ये पांच तत्व का ये ब्रह्मांड, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के इस ब्रह्मांड, असत जड़ दुख के इस ब्रह्मांड, ये असत मंडल में सब कोई भूलिया, ये मंडल, ये भूमंडल, ये पृथ्वी असत्य का है, और सब लोग यही भूल रहे हैं। कैसे भूल रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा से विमुख होकर विषयों में भूल रहे हैं, रागों में भूल रहे हैं, कामनाओं में भूल रहे हैं, असत वासना में भूल रहे हैं। और जब गुरुजी जागनी देते हैं, जब कोई नवजात शिशु या कोई धर्म से जागृत हुए ऐसे लोगों को, भक्तजन को ऐसे जागनी देते, वासन जागे वासन जागे, पायो निज नाम आत्म जागे, ऐसे वासना क्यों जगाना,
वासना जागे, वासना जागे, पायो निज नाम आत्म जागे। ओ निज नाम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जो निज नाम सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष ले निष्ठा बंद ग्रहों सेवा करी सनंद, ऐसे कुछ बीतक में चौपाइयां आती है। तो 14 साल तक निष्ठावंद रूप में सदगुरु महाराज बैठ कर और अपने गुरु को सेवा कर, बिना गुरु के सेवा किए हुए जो ज्ञान उपलब्ध है वो ज्ञान मिथ्या है, वो ज्ञान आपको कभी भी सहयोग नहीं करेगा। बिना गुरु के सेवा किए हुए ज्ञान, वो ज्ञान आपको कभी भी फलीभूत नहीं होगा। हरिदास जी के मंदिर में जाकर सदगुरु महाराज ने कितनी सेवा की, कितनी परिश्रम किए, उसके बाद में एक आसन में बैठकर उन्होंने भागवत श्रवण किए, उसके ही प्रतिफूल प्रतिफल स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो उनको निज नाम दिया, वो निज नाम जब गुरुजी अपने श्रीमुख से इस पंच भौतिक शरीर में उसको संचार कर देते हैं, उसको फूंक देते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं। पहला तो सिम डीएक्टिव होता है, मोबाइल में आप सिम डालोगे तो बिना गुरु किए हुए आप निज नाम पढ़ो, सरू साहिब निज नाम पढ़ो और कई पुस्तकों में निज नाम छपी हुई है, लेकिन वो आपको सिर्फ मोबाइल के सिम खरीदने का जैसा है, एक्टिवेट आपने नहीं किया, वो सिम का एक छोटा कागज का टुकड़ा ही बन के रहेगा, वो कुछ काम का नहीं है। जब गुरु अपने कान में शिष्यों के, जब भक्तों के कान में निज नाम फूंक देते हैं तो वो डीएक्टिव हो जाता है, उसमें सच्चिद आनंद स्वरूप का जो आत्मा में सच्चिद आनंद है वो संचार हो जाता है। तो असत मंडल में सब कोई भूलिया, इस असत मंडल में सब कोई भूल रहे हैं, विषयों वासना में लोग भूल रहे हैं। तो वासना जागे, कैसे वासना जागे? वासना तो काम है, वासना तो क्रोध है, वासना तो लोभ है, वासना तो मोह है, वासना तो आसक्ति है। वो वासना कैसे जागे? सत वासना जागे, सच्चिदानंद स्वरूप उस वो भी सत वासना है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये तो असत वासना है, वो असत वासना को काटने के लिए सत वासना चाहिए। हम रामायण आजकल ये लॉकडाउन के ये उसमें हम रामायण देख रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, और रावण और राम का जो युद्ध होते हैं तो एक दूसरे बाण प्रहार करते हैं, तो कोई दूसरा शक्तिशाली बाण चलाता है तो इधर से दूसरा कोई शक्तिशाली बाण चलाता है, और कभी कभी क्या दिखाते हैं कि दोनों बाण गायब हो जाते हैं, तो क्या वो शक्ति का टक्कर हो जाता है, वही वही शक्ति जूझ जाता है, और दूसरे होता है कि एक बाण दूसरे बाण को हरा देगा। ऐसे ही असत जड़ दुख का संसार, असत जड़ दुख का खेल, असत जड़ अपने कुविचार, अपने कुमति, चंचल चतुर चपल को गुरुजी द्वारा दिए हुए, उनके श्रीमुख से साधना किए हुए जो ज्ञान, जो निज नाम गुरुजी गुरु मंत्र के रूप में देते हैं, तो वही वासना को भुला देगा, वही वासना को समाप्त कर देगा। और पर अखंड किने न बताया, असत मंडल तो सब ने बताया, ये असत्य का मंडल है, ये है 14 लोक तब तो सब ने बताया, लेकिन अखंड किने न बताया, परम धाम किसी ने नहीं बताया। परम धाम क्योंकि आपने सुन ही लिया है, वेद अगम गए उलटे पीछे, नेत नेत कर गाए और त्रिगुण भी थक गए। तो सुंदर शाह जी यही आज का चौपाई यही मैं पूर्ण विराम देता हूँ, समय का पाबंदी है और आज चौपाई दुराते है। असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने न बताया, नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने न दिखाया। आप सभी से करबद्ध अनुरोध है सुंदर शाह जी, श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से, ये श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के सर्वोच्च शिखर संस्था है। आज
हम सभी इस कोरोना महामारी कोविड 19 से जूझ रहे हैं, विश्व जूझ रही है, विश्व आक्रांत है, विश्व के सभी लोग दुखी हैं, विश्व के सभी लोग द्रवित हैं, रो रहे हैं, इसमें जो ये रोदन में ये दुख में झुलस रहे हैं। तो हम तो मेहर सागर हमारे लिए तो जब भी करते हैं, जब भी राज्य के राज्य में मेहर सागर अपने लिए मेहर हम तो करते ही हैं, लेकिन आज गुरुजी के आह्वान से और संपूर्ण विश्व परिषद के आह्वान से हम एक यूनिवर्सल प्रेयर किए हुए हैं। यूनिवर्सल प्रेयर हम सभी कर रहे हैं 8 बजे, हम सभी विश्व शांति के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकश्चित् दुख भाग् भवेत्। ये जितना भी दुख है, जितना भी कष्ट है, संसार के लोग सुखी हो, संसार के लोग समृद्ध हो, संसार के लोग खुश हो, इसी इतही बैठे हर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ होए सब काम। यही ये शरीर जितना भी नश्वर बोलने से, ये पृथ्वी जितने भी नश्वर बोलने से, आत्मा का घर यही है, परमात्मा प्राप्त करने का साधन यही है। इसको जोगाना, इसको संरक्षण करना बहुत जरूरी है, और यही साधन है। साधन के बिना साध्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी जितने भी दिवंगत हो गए, जितने भी परम धाम गमन हो गए, जितने भी सब लोग जो अपने अपनों को छोड़कर, अपने प्रियजनों को छोड़कर जो चले गए, उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, जो अभी इसमें लड़ रहे हैं, जो अभी इसमें संघर्ष कर रहे हैं, उनको परमात्मा श्री राज जी श्री गुरुदेव के असीम कृपा और उनको लड़ने की क्षमता दें, उनको सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्राप्त करें, और जिनको ये रोग ने पकड़ा नहीं अभी तक, उसको ये रोग कभी पकड़े ही नहीं, ऐसे शक्ति परमात्मा दे। इसीलिए ठीक 8 बजे AM सुबह 8 बजे हम परमात्मा में एक यूनिवर्सल प्रेयर सभी के सुख के लिए हम करें। यही निवेदन के साथ सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।